जी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू बच्चे, गुड आफ्टरनून बल्कि। पदबंध करते हैं, निष्ठा समझाएगी पदबंध वैसे, पर थोड़ी सी इंट्रोडक्शन मैं बता देती हूँ आपको पदबंध की। बेटे पहले तो वर्ण होते हैं हमारे, अक्षरमाला वर्णों से बनती है। वर्णों को जब हम जोड़ देते हैं तो वो बन जाता है शब्द। वर्ण मतलब जैसे क था, म था, ल था, ये तीन अलग अलग वर्ण हैं। जब इन वर्णों को जोड़ दिया तो शब्द बन गया कमल। ठीक है, अब जब शब्दों का समूह व्याकरण के नियमों के अनुसार वाक्य में प्रयोग कर लिया गया तो वो बन गया पंथ। जब शब्द को व्याकरण के नियमों में डालकर बांधकर वाक्य में प्रयोग कर लिया गया तो वो बन गया पद। जैसे मैंने कमल तोड़ा, अब इस समय कमल जो है वो जातिवाचक संज्ञा है। ठीक है बच्चे, जब शब्दों का समूह, जब शब्द जो है व्याकरण के नियमों में जोड़कर बांधकर वाक्य में प्रयोग कर लिया जाता है तो वो बन जाता है पद, मतलब उसका एक डेजिग्नेशन हो जाता है। ठीक है, अब पद के बाद आता है बेटा पदबंध। जब बहुत से पदों को जोड़ दिया जाए और वो एक इकाई का काम करें, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने खूबसूरत बैंगनी कमल देखा, मैंने ये वाक्य लिखा और मैंने इस वाक्य को बांध दिया। बहुत से शब्द बंध गए, अब ये बन गया पदबंध। अलग अलग अगर देखा जाए तो बेटे मैंने सर्वनाम है, खूबसूरत विशेषण है, बैंगनी भी विशेषण है, कमल संज्ञा पद है, लेकिन इन सभी पदों को मैंने बांध दिया और बांधने के बाद जब इसका पद बंध बताना होगा तो वी विल सी द लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड इज कमल संज्ञा, ये है संज्ञा पदबंध। ठीक है बच्चे, क्लियर, होपफुली बिल्कुल स्पष्ट है, ये है संज्ञा पदबंध। ठीक है, अब मैं और एग्जांपल्स आपको दे रही हूं। देखिए हम में से किसी को समझ नहीं आया, ठीक है। अब देखिए ये सेंटेंस है, इसमें बहुत से पद हैं, हम में इसमें सर्वनाम पदबंध है, से इसमें विभक्ति चिन्ह है, कारक है, किसी इसमें सर्वनाम है, को फिर कारक है, समझ नहीं आया ये क्रिया है। ठीक है, अब मैंने इस पदबंध में ये लीजिए ये अंडरलाइन कर दिया, किसी को समझ नहीं आया। ठीक है, अब ये जो पदबंध है इसका भेद बताने के लिए हमें इस लाइन के अंत तक जाना होगा, ये समझ नहीं आया मीन्स दिस इज क्रिया पदबंध। हमें जो लाइन खींची हुई है उसका आखिरी शब्द देखना है। ओके, अब मैं इसको मिटा कर
मैं इसे अंडरलाइन कर रही हूं, हम में से किसी को। अब ये कौन सा पदबंध है? नहीं बेटे, कारक नहीं विनीत रूप, कारक हमेशा साथ में आते हैं बेटे, कारक हमेशा साथ में ही जुड़ता है, ठीक है। तो ये वर्ड एंडिंग विद, ये प्रोनाउन सर्वनाम पदबंध। कारक कोई भी पदबंध के बेटे पांच ही भेद होते हैं, दोबारा बता रही हूं, पदबंध के सिर्फ पांच भेद होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया और क्रिया विशेषण। वन टू थ्री फोर एंड फाइव। कोई पांचवा नाम विनीत रूप नहीं लिखना, ठीक है। इसलिए कारक नहीं होगा, कारक हमेशा नाउन या प्रोनाउन के साथ ही आता है, हमेशा अलग से कारक नहीं होता। ओके, तो ये होगा हमारा सर्वनाम पदबंध। और देती हूं मैं, दिस इज द सेंटेंस, हमने फूलों को खरीदने वाले बच्चे देखे। ओके, अब मैं अंडरलाइन कर रही हूं, फूलों को खरीदने वाले, फूलों को खरीदने वाले। अब बेटे फूलों को खरीदने वाले, नेक्स्ट वर्ड है बच्चे, बच्चे इज संज्ञा, ठीक है। इसको अंडरलाइन नहीं किया तो संज्ञा की ये विशेषता बता रहा है, दिस इज विशेषण पदबंध। ओके, नेक्स्ट देखिए, मैं स्कूल जाकर प्रसन्न हुआ, मैं स्कूल जाकर, बेटे मैं स्कूल जाकर प्रसन्न हुआ, मैं स्कूल जाकर। कल किया था वाक्य हमने, उसमें मैंने बताया था, नहीं बच्चे विनीत रूप, व्हाट आर यू डूइंग। कल मैंने बताया था कि वाक्य में दो क्रियाएं होती हैं, एक पूर्वकालिक जब हो जाती है वो सरल वाक्य बन जाता है, ठीक है। इसमें जाकर पूर्वकालिक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया हमेशा क्रिया विशेषण होता है। सो मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू, क्यों निशा, बताया हुआ है ना, यस मैंने मैम, बताया हुआ यस है ना मैम, बेटे, कि पूर्वकालिक क्रिया हमेशा क्रिया विशेषण बन जाता है, दिस इज क्रिया विशेषण। विनीत रूप गड़बड़ कर रही है बच्चे, सारे टॉपिक्स आपके इंटरलिंक्ड हैं, ठीक है। क्रिया विशेषण। और देखिए सेंटेंसेस, चलिए ऐसा करते हैं, हम 10 सेंटेंसेस लिखते हैं, फिर इसी पीरियड में उसको डिस्कस करते हैं दोबारा। आई एम ऑल्सो राइटिंग देयर, यू विल ऑल्सो राइट, सॉल्व इट, देन वी विल डिस्कस। ओके, होपफुली आप साथ साथ लिख रहे हैं, ये मत सोचिएगा मैडम तो लिख ही रहे हैं, वहीं सॉल्व कर लेंगे। थोड़ा साफ लिखती हूँ मैं, अच्छी हैंडराइटिंग में लिखने की कोशिश करती हूँ। मेला,
देखने वाले लोग ताली बजा रहे हैं। सेकेंड सेंटेंस, मेला देखने वाले चले गए। अंडरलाइन किसे करना है? जनता में से कोई नहीं बोला। छह सेंटेंस हो गए। सातवां, चलिए पहले ये कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, डू दीज 8 सेंटेंसेस। अभी कंफर्म हो जाएगा आपको पदबंध कितने आए। मेरे पास 6 बच्चे इस समय प्रेजेंट हैं, अभी 6 के 6 आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि आपको कितना पदबंध समझ में आ गया। डू इट विद ऑनेस्टी, डू इट विद ऑनेस्टी। आई विल गिव यू ओनली 1 2 मिनट्स टू सॉल्व दिस। शुड आई वेट और राइट डाउन द आंसर्स? मुझे इंतजार करना है कि लिख देना है उत्तर? मैम 2 मिनट। 2 मिनट, ओके ओके, आई कैन वेट वेट फॉर यू।
इनको नंबरिंग दे दूं फिर आंसर्स दे दूंगी। I'm going to write. Should I write? Yes, ma'am. Okay. Mela dekhne wale log. Last pe rukna hai log. To log hai sangya patband. Aap apna apna check karenge aur hopefully mujhe number batayenge 8 mein se kitne hai aapke. Imandari se. Theek hai? मेला देखने वाले चले गए, मेला देखने वाले, अगेन संज्ञा पदबंध, ये कितनों का ठीक है? मैम मेरा ठीक है। ये किस किस का ठीक है? मैम मेरा ठीक है। निष्ठा का ठीक है और हो गया। विनीत गलत हो गया? नहीं ठीक हो गया। ओके दोनों ही संज्ञा अलग ठीक हो गया। ओके रूहानी मैम इसमें मेरे को डाउट लग रहा था, डाउट था। ओके आई विल एक्सप्लेन। ठीक है, यानी मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। आगे चलते हैं। टोपी पहनने वाला बंदर, बंदर अंडरलाइन नहीं है, टोपी पहनने वाला, ये है विशेषण। विशेषण अब देखो दोनों में विशेषण है, मतलब दोनों में वाला वाला है, इसमें भी वाला पे एंड होता है, इसमें भी वाले पे एंड होता है, लेकिन फर्क क्या है बच्चे? मेला देखने वाले लोग नहीं लिखा हुआ, संज्ञा वर्ड नहीं है, तो मीन्स इट इज इटसेल्फ इज संज्ञा। ठीक है, ये अपने आप में सब्जेक्ट है, मेला देखने वाले चले गए, दिस इज सब्जेक्ट। ओके तो ये संज्ञा आएगा। यहाँ है टोपी पहनने वाला बंदर, बंदर की विशेषता है वाला, तो यहाँ पे विशेषण। ठीक है, हम स्कूल जाकर अध्यापकों से मिलेंगे, जाकर पूर्वकालिक क्रिया, पहले ही बताया मैंने, क्या होगा ये क्रिया? विशेषण। ओके, तुम्हें काम करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा क्रिया। ठीक है, इसमें काम संज्ञा था, करना पड़ेगा क्रिया था, तो हमें तो लास्ट वाला देखना है। नेक्स्ट है जनता में से कोई, अब कोई पहुंचा तो कोई है सर्वनाम पदबंध। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट नंबर 7, हमें मिलकर पाठ पढ़ना चाहिए, हमें मिलकर, फिर पूर्वकालिक क्रिया, दिस इज क्रिया विशेषण पदबंध। कोई डाउट तो नहीं है नंबर 7 में? ठीक है, नो मैम। ओके, तुम भक्तों को प्रसाद बांटो, प्रसाद इज नाउन संज्ञा, लेकिन बांटो क्रिया पदबंध, क्रिया बांटो मींस दिस इज क्रिया। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? लुक एट दीज सेंटेंसेस। ठीक है, ये मैंने सेंटेंसेस 8 दिए थे अभी। ओके, इनके आंसर्स भी लिखे हैं, अभी आप आंसर्स नहीं देखो। हाँ, सिमन है ना, सिमन मेरे सामने बैठी है, मैं उसके लिए छुपा रही हूँ बेटे, तो अभी ये सॉल्व करती है। देखो ध्यान से देखो, मेला देखने वाले लोग ताली बजा रहे हैं, संज्ञा बिल्कुल सही, मेला देखने वाले चले गए,
वाले विशेषण होता है वैसे, लेकिन ये विशेषण नहीं है क्योंकि वाले के साथ कोई भी नाउन शब्द नहीं है, वाले लोग नहीं लिखा हुआ, इसलिए ये संज्ञा ही है। हाँ ठीक है, आगे है टोपी पहनने वाला बंदर। अब वाले के साथ बंदर है मतलब ये है विशेषण, विशेषण। नेक्स्ट है हम स्कूल जाकर अध्यापकों से मिले। जाकर पूर्वकालिक क्रिया दी हुई है यानी ये हो गया क्रिया विशेषण। ये क्रिया विशेषण जब मैंने कल बताया था आपको, कल आप थे क्लास में नहीं थे ना, बस फिर तभी मैंने कल बताया था कि जब सेंटेंस, दो सेंटेंस जुड़ते हैं वाक्य में हमेशा, ठीक है, जो पहला काम हो चुका होता है ना वो हमेशा क्रिया विशेषण बन जाता है क्योंकि जाकर इट्सेल्फ इज क्रिया, जाना जाकर क्रिया है, लेकिन दो बार क्रिया यूज हो गई, मिले जाकर मिले, अब जाकर मिले ये क्रिया विशेषण बन गया। जब दो सेंटेंसेस ज्वाइन हुए होंगे बीच में क्रिया आ जाएगी वो क्रिया विशेषण बन जाता है, नहाकर उठकर जाकर के कारण, ये सारे क्रिया विशेषण हो जाते हैं, ठीक है ओके। नेक्स्ट तुम्हें काम करना पड़ेगा, ठीक है, लास्ट वाला देखना है करना पड़ेगा क्रिया। जनता में से कोई सर्वनाम, ठीक है, हमें मिलकर पाठ पढ़ना चाहिए, मिलकर क्रिया विशेषण, ठीक है, तुम भक्तों को प्रसाद बांटो क्रिया। तो ये मैंने आंसर्स लिखे थे, यू कैन टैली दैट। हाँ पहला संज्ञा दूसरा भी संज्ञा, जाओ सिमर, ठीक है बेटे क्लियर। हाँ ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। किसी को और कुछ पूछना है बेटा, किसी की कोई क्वेरी है तो यू कैन आस्क मी। अगर किसी को कुछ पूछना है, जितने बीच में आए हुए हैं अभी बच्चे, किसी को भी कुछ पूछना है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। वन टॉपिक इज क्लियर टू यू। हाँ विनीत कुछ पूछना है बेटा तो अनम्यूट योर सेल्फ एंड आस्क। मैम ग्रामर के टॉपिक एक बार बताना दोबारा, समास पदबंध मुहावरे और क्या था? चार चीजें हैं बेटा, एक ये पदबंध, एक है वाक्य, तीसरा है समास, चौथा है मुहावरे। 4 4 16, ठीक है, चार चीजें चार चार नंबर की। कोई और डाउट किसी को? नो मैम। सक्षम बेटा कोई डाउट? कल तो आप लीव कर गए थे, आज मत डर के लीव कर जाना। चलिए ऑल द बेस्ट, ओके गुड बाय, टेक केयर।